बीजेपी से कथित रूप से नाराज चल रहे वरुण गांधी की अब किसी और दल में जाने की संभावनाएं बनने लगी हैं। राहुल गांधी की विचारधारा वाले बयान के बाद से तो ये साफ हो गया कि वरुण के लिए कांग्रेस अपने दरवाजे नहीं खोल रही, जिसके बाद खबर थी कि वरुण सपा में जा सकते हैं। लेकिन अब एक और ट्विस्ट आ गया है। जानकारी के मुताबिक वरुण अखिलेश के साथ साथ आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के संपर्क में हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वरुण अखिलेश और सपा गठबंधन के पार्टनर जयंत चौधरी के संपर्क में जरूर हैं, लेकिन वे इनमें से किसी भी दल को ज्वाइन करने के इच्छुक नहीं हैं। वरुण सभी विपक्षी दल सपा, आरएलडी और कांग्रेस से समर्थन चाहते हैं। वे पीलीभीत या फिर सुल्तानपुर से संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बनना चाहते हैं। वैसे वरुण अगर कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस वरुण के लिए उनके घर जैसा है। वहीं एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि कांग्रेस अगर पूर्व बसपा नेता बृजलाल खाबरी को यूपी अध्यक्ष बना सकती है तो वरुण को पार्टी में लेने में कोई बड़ी बात नहीं। और वैसे भी अगर कांग्रेस वरुण को पार्टी में लेती है तो कांग्रेस को ही फायदा होगा, क्योंकि यूपी में कांग्रेस को एक मजबूत और जमीनी स्तर के मुद्दों को समझने वाला नेता चाहिए जो लगातार बीजेपी का मुकाबला कर सके। वहीं खबर है कि वरुण प्रियंका गांधी के साथ भी संपर्क में हैं और दोनों के रिश्ते बेहद अच्छे हैं। गैर राजनीतिक चर्चाओं के साथ दोनों वर्तमान राजनीति पर भी बात करते हैं। ऐसे में प्रियंका वरुण के लिए बहुत हद तक मददगार साबित हो सकती हैं। वहीं कुछ सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि वरुण और उनकी मां मेनका नई पार्टी भी बना सकती हैं। वैसे दोनों अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। खैर, वरुण गांधी की फ्यूचर पॉलिटिक्स को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।